हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शर्राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से आपके लिए लेके आए हैं वीक वाइज प्रेगनेंसी सीरीज। सो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक के बारे में डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट वीक। आइडियली ये आपकी प्रेगनेंसी का फोर्थ वीक है, पर आपको इस दिन गुड न्यूज़ मिलती है और आप इसे फर्स्ट वीक कंसिडर करते हैं। जी हाँ, आज आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और वो प्रेगनेंसी टेस्ट आपकी पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट की न्यूज़ देखते ही शायद आपके मन में आप सोचते होंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाऊँ, खुश हो, घर में सबको बता दूँ दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड आई एम गोइंग टू बिकम अ मदर। बट ये मोमेंट की जो खुशी होती है, उतना ही ज़्यादा ये मोमेंट कन्फ्यूजन लेके आती है। और कन्फ्यूजन क्या? ओ माई गॉड, नाउ आई एम प्रेग्नेंट, मुझे अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्या मैं ये खा सकती हूँ, क्या मैं वो खा सकती हूँ, क्या मैं ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ, क्या मैं वैसे कपड़े पहन सकती हूँ, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। जितनी चीज़ें आप अब तक, जब तक आपको पता नहीं था कि आप प्रेग्नेंट हैं, तब तक करते थे, सडनली वो सारी चीज़ों में आपको डाउट होना शुरू हो जाता है कि क्या हम ये प्रेगनेंसी में कर सकते हैं या नहीं। और उसके साथ ही आपके हस्बैंड, वो आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखते ही, आपसे गुड न्यूज़ सुनते ही आपसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट बशर्ते आपसे ज़्यादा टेंस्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उन्हें लेनी है टू बी अ ग्रेट फादर। एंड ट्रस्ट मी, इट्स डिफिकल्ट टू बी अ ग्रेट फादर एंड अ ग्रेट मदर। सो आपकी ये प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है एक्चुअली दिस वीक, दिस इज़ योर फर्स्ट वीक अकॉर्डिंग टू यू, बट मेडिकली ये आपका फोर्थ वीक है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी की डेट काउंट होती है आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की फर्स्ट डेट से। यानी आपकी जो पिछली महावारी गई, उसका जो पहला दिन था, उससे आपकी डेट स्टार्ट होती है। सो ये आपके प्रेगनेंसी का फोर्थ वीक है। इस दिन जब आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, ये आप जब करते हैं तब आपने शायद अपना पीरियड्स मिस किए हुए एक या दो दिन हुए होते हैं, और आपको एक फेंट पिंक या फेंट रेड लाइन अपनी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में दिखाई देती है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, दैट इमीडिएटली कॉल योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड बुक एन अपॉइंटमेंट। उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी कैसे जा रही है, आपका जो गर्भाशय का दीवाल कैसा है, उसको डॉक्यूमेंट करें। इसे बेसलाइन स्कैन कहा जाता है। सोनोग्राफी की अपॉइंटमेंट बुक कराते ही जब आप अपने क्लिनिक में जाते हैं, तब जब आपके डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करते हैं, वजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, तब आपकी दीवार में शायद दिखे कि प्रेगनेंसी चिपकी है या नहीं। एक छोटे से पानी के बुलबुले जैसी दिखेगी सोनोग्राफी में, और हो सकता है ना भी दिखे, क्योंकि कंफर्म नहीं होता है कि हर बार आप मासिक के चौथे दिन ही, 14th day ही ओव्यूलेट हुए होते हो। तो कई बार आपको डॉक्टर वेट एंड वॉच करते हैं, पर सोनोग्राफी ऑफ कोर्स करवानी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि वेदर प्रेगनेंसी इम्प्लांट हुई है या उसका इम्प्लांटेशन का डॉक्यूमेंटेशन होना अभी बाकी है। आपके डॉक्टर्स लुकिंग टू योर प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, अगर आपको मिस अबॉर्शंस है, या आपको बहुत लेट प्रेगनेंसी रुकी है, या आपको IVF से प्रेगनेंसी रुकी है, या IUI से प्रेगनेंसी रुकी है, या मेडिसिन से प्रेगनेंसी रुकी है, आपको कुछ बेसिक दवाइयाँ शुरू करते हैं, जिसमें डेफिनेटली प्रीनेटल विटामिंस में फॉलिक एसिड होते हैं, विटामिन D3 होते हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट्स होती है, उसके साथ ही प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट की टैबलेट्स, डिपेंडिंग आपकी जो प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, आपके कंसल्टेंट डॉक्टर उसका डिसीजन लेते हैं कि आपको प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स की टैबलेट शुरू करनी है या नहीं, ब्लड थिनर की एस्पिरिन टैबलेट शुरू करनी है या नहीं, या फिर ब्लड थिनिंग एजेंट के लिए कोई इंजेक्शन देना है या नहीं। आपके डॉक्टर की फर्स्ट विजिट के बाद आपके कुछ बेसिक रिपोर्ट्स कराए जाते हैं, जिसमें आपका थायराइड देखा जाता है, शुगर देखा जाता है, खून के टके देखे जाते हैं, दूसरे वायरल इन्फेक्शन जैसे HIV, VDRL, HBsAg, इन सब के टेस्ट होते हैं, यूरिन का टेस्ट होता है। ये बेसिक प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन आपको जितना जल्दी हो उतना जल्दी करानी चाहिए। इस टाइम पे आपका बेबी जस्ट इम्प्लांट हुआ होता है, यानी आपकी गर्भाशय की दीवार में अभी जस्ट वो चिपका होता है, और वो अपने पैर पसार के अंदर सेफली एक स्टे बनाता है। अभी ये सोनोग्राफी में सिर्फ एक छोटे से पानी के बुलबुले जैसे दिखता है, या तो फिर दो रिंग, एक रिंग के अंदर दूसरी रिंग दिखती है। प्रेगनेंसी, फोर्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी में डेफिनेटली बच्चा बन नहीं जाता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा धीरज रखनी पड़ती है, 1 to 2 weeks और वेट करना पड़ता है। ये टेस्ट जब आपका हो जाए, सोनोग्राफी टेस्ट, उसके बाद आपको खाने में ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें ना खाएं। ऑफ़ कोर्स पाइनएप्पल एंड रॉ पपैया, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। रूटीन जितना खाते हैं घर में, जितना अभी तक खा रहे थे, वैसे ही खाना है। डाइटरी कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है, बट हाँ फोकस शिफ्ट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस खाए।
बाहर का जंक फूड डेफिनेटली अवॉइड करना, अगर आप चाहते हो कि आपका बेबी भी जंक फूड अवॉइड करे तो आपको भी जंक फूड अभी से अवॉइड करना शुरू कर देना पड़ेगा। एक्सरसाइज, अगर आप जिम में जाते थे और सडन प्रेगनेंसी रुकी है तो डेफिनेटली आपको जिम बंद करना चाहिए, बट बेसिक एक्सरसाइज यानी वॉकिंग आप कर सकते हैं। योगा, ऑफकोर्स यू कैन डू योगा, और योगा में भी ज़्यादा स्वेटिंग हो, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज वाली योगा हो, ज़्यादा बॉडी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज वाली योगा हो, वैसी आपको नहीं करनी है। आपको जितना हो सके उतना मेडिटेटिव योगा, प्राणायाम के बाजू ज़्यादा जाना है। उसके साथ ही आप डेफिनेटली एक लाइट वॉक, 30-60 मिनट्स ऑफ अ वॉक डेली, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग फ्रेश ऑक्सीजन में आप वॉक कीजिए। इससे आपके बेबी को भी बेनिफिट मिलेगा और आपकी बॉडी भी प्रेगनेंसी को अपनाएंगे। सिम्टम्स आपको कुछ खास ज़्यादा शुरू नहीं हुए होंगे, कुछ सिम्टम्स मासिक के जैसे ही होते हैं, जैसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, लेग क्रैम्प्स होना, थोड़ा सा फीवर आना, ये सब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स और प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स सब एक जैसे ही होते हैं। कुछ लेडीज़ में होते हैं, कुछ लेडीज़ में नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई उन सबको ये सिम्टम्स होने चाहिए। नाउ सम गुड न्यूज़ फॉर द डैडी। ऑफकोर्स आप बहुत खुश हो गए होंगे कि यू आर गोइंग टू बिकम अ फादर, बट अपनी इस खुशी को थोड़ा सा कंटेन करिए। जब तक बेबी के हार्ट बीट कन्फर्म नहीं हो जाते हैं तब तक ये गुड न्यूज़ आप एक कपल के बीच में ही रखें, क्योंकि कई बार हमें सोशल ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ता है। सो जब तक आपकी प्रेगनेंसी सेफली डॉक्यूमेंट नहीं हो जाती है, आपके डॉक्टर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन विश करके ये नहीं सुनाते हैं कि आपके बच्चे की हार्ट बीट आ गई, तब तक हो सके इस खुशी को अपने तक कंटेन रखें। आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक यानी आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक एंड द फोर्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पता चला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। कीप वॉचिंग। अधिक जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स को संपर्क करें 9426306496 या हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़िए 9925394276 या हमें विजिट कीजिए राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर IVF सेंटर बिसाइड GEB पावर हाउस अपोजिट जलाराम फर्नीचर एंड कर्मना टेम्पल नियर कापोदरा 4 रास्ता वराछा रोड सूरत। राधा कैंडोर IVF सेंटर, रीजन बिहाइंड योर स्माइल।